Handing over of the water and sanitation projects in 28 islands commissioned under the Indian Line of Credit. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव की 3 दिनों की यात्रा पूरी हो गई। मोहम्मद मुइजू के मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद यह भारत के किसी बड़े मंत्री की पहली मालदीव यात्रा रही। मोहम्मद मुइजू को चीन समर्थक माना जाता है। वहीं उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ मालदीव के रिश्तों में टकराव भी देखने को मिला है। एस जयशंकर ने अपनी इस यात्रा में मालदीव में UPI पेमेंट की सुविधा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मालदीव के 28 द्वीपों में पानी और नाले से जुड़ी परियोजनाओं को आधिकारिक तौर पर सौंपे जाने के मौके पर डॉक्टर एस जयशंकर से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि हमेशा मालदीव की मदद करने के लिए मैं भारत सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। मोहम्मद मुइजू ने अपने सोशल मीडिया पर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। खबरों के मुताबिक मोहम्मद मुइजू ने भारत को अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मालदीव के साथ संबंधों को खास बताया है। एस जयशंकर की इस यात्रा पर कई लोगों की नजर थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीनी विशेषज्ञों ने रविवार को कहा है कि चीन मालदीव के साथ बहुत खास संबंध या सहयोग की इच्छा नहीं रखता है, जबकि भारत इस इलाके में अपने प्रभुत्व के लिए चीन को एक डर के तौर पर पेश करता है। मालदीव के स्थानीय मीडिया में भी एस जयशंकर के दौरे को प्रमुखता दी गई। वहां के मीडिया संस्थान सन ने लिखा है कि एस जयशंकर की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बेहतर हुए हैं। एस जयशंकर ने कहा है कि भारत नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत द्वीपों से बने मालदीव की प्रगति को प्राथमिकता देगा। वहीं एक अन्य मीडिया संस्थान एडिशन के मुताबिक जयशंकर ने अपनी इस यात्रा में सरकारी अधिकारियों के अलावा विपक्षी दल MDP के अध्यक्ष और मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अब्दुल्ला शाहिद ने भारत और मालदीव के बीच बीते समय में हुई घटना को लेकर खेद जताया। इसी साल 4 जनवरी को PM मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर कर लोगों से वहां घूमने के लिए जाने की अपील की थी। इसके बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने मोदी और भारत विरोधी टिप्पणी की, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि मामला बढ़ता देख मालदीव सरकार ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को निलंबित कर दिया था और कहा था कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहम्मद मुइजू पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। उन्हें चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता रहा है। मुइजू ने अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट का नारा दिया था और उस समय की मालदीव सरकार पर आरोप लगाया था कि देश के नीतिगत फैसलों में भारत के दखल से मालदीव की संप्रभुता और आजादी कमजोर पड़ रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइजू सबसे पहले तुर्की के दौरे पर गए थे, फिर वो चीन भी गए, जबकि आम तौर पर मालदीव के राष्ट्रपति अपना पहला विदेशी दौरा भारत का करते थे, लेकिन मुइजू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को भी देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के आपसी संबंध को लेकर सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ताजा यात्रा दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से अहम हो सकती है।